हाय नमस्कार, मुझे सीमा आपण स्वागत करुच्छे एसपी ट्यूटोरियल को। तो आज आम कौन करवा ना क्लास सिक्स तृतीय अध्याय 3.1 स्टार्ट करवा। तो पे चलो सीधा टॉपिक उपरक जावा। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 कौन अच्छी ना गोटे त्रिभुज अंकन करके नामकरण करवा। बहरे जो त्रिभुज आम देखे निजे आंकवा गोटे त्रिभुज अंकन करवा तार नामकरण करवा है ए बी सी। तुमने भल कि आंकब मोर हूँ बंधुक मोर हाथ सीधा हाथ और मोर टे ड्रईंग जिनस मोर टे लो। तो पे तुमने भल भाव कर तो ये गोटे त्रिभुज आंक ना दब ए बुझा पड़े है तुम टे भल कर गोटे त्रिभुज आंक। तो से कौन कह शीर्ष बिंदु कोण बाहूर नाम लिख यार शीर्ष बिंदु किए कोण किए बाहू किए तार सब आम ना लिखा लिखिपर ना। अच्छा यार शीर्ष बिंदु फास्ट शीर्ष बिंदु लिखा किए किए शीर्ष बिंदु किए नेक्स्ट कोण किए किए नेक्स्ट बाहू किए किए आम चिन्ह है। अच्छा अच्छा कह शीर्ष बिंदु किए किए हम ना एटा गोटे यहाँ हूँ गोटे शीर्ष बिंदु ए आ गए बी हम शीर्ष बिंदु बी आ गए सी हम है यहाँ है शीर्ष बिंदु कोण कोण कौन हम ना कोण तुम गोटे करीटा कौन तक मझे रखा बी ए सी ये गोटे कोण हम कोणर चिन्ह दब है आ गए नेक्स्ट हम ए बी सी एटा गोटे कौन हम जे कौन तक मझे रखा है नेक्स्ट हम एससी भी कर बीसीए भी करपट सपट कले हम कि कौन जे मझे रख तीन टा कौन कौन तीन टा कौन देखा आम कौन को अलग बाटे लिखिपर कौन खाली ए को देवा एमती कौन चिन्ह देने ए को बुझेगा नेक्स्ट बी कौन बुझेगा ये तुम इजी हम जब एमती कर किसी ना है ए कौन बी कौन सी कौन हो तुमको जोड़ा सुविधा लगे सीटा कर किसी असुविधा नहीं कौन देखिए बाहू किए किए चिन्ह ये बाहू बाहूटा बहुत कष्ट ना रे ना ना बाहूटा सबुठ इजी है बाहू बाहू गोटे ए बी बाहू मैंने ये गारटा यो गारटा ए बी बाहू गोटे चिन्हटा देदेव है आ गोटे बी सी बाहू गोटे आ गोटे एससी बाहू ना सी ए बाहू है सी ए बाहू गोटे मन रहा तेल बाहू तीन जापरल ना गोटे त्रिभुजर शीर्ष बिंदु तीन टा रण भी तीन टा रहू भी तीन टा रे कौन से कन्फ्यूजन ना नंबर टू। नंबर टू क्वेश्चन कौन कह वृत्तर तार व्यासार्ध केन्द्र को दर्शा गोटे वृत्त आंक तार व्यासार्ध केन्द्र किए दर्श वृत्त गोटे आंकवा मुझे कही मोर हूँ बंधुक मोर हाथ मान ड्रइिंग डी अक्षर मोर हुए बाकी बुझीपर दरकार पे तुम्हें गोटे वृत्त काट वृत्तर केन्द्र तो निहतर जो तुम्हें कंपास कंपास पेनसिल यूज कर गोटे वृत्त आंकदेव तार जो केन्द्रटा तार गोटे ना देदेव ओ देदेव केन्द्र मैं मिड जोटा तार पॉइंटर मिडिल पॉइंट मझे जोटा से तार ओ ना देदेल है कौन कह केन्द्र को चिन्ह आँ चिन्ह व्यासार्ध चिन्ह। अच्छा ये गोटे वृत्त तार केन्द्र किए है ओ केन्द्र नाम देने केन्द्र हूँ किए ओ यहाँ है केन्द्र यहाँ हूँ कौन केन्द्र तुम है आ कौन कहे व्यासार्ध व्यासार्ध कौन हाँ व्यासार्ध हूँ एवठ मापड़ा है व्यासार्ध है ये आम ओ दे ना देद ए देद तो व्यासार्ध क्या कहगला जान लो व्यासार्ध क्या कहगला ए को ओ ए खाली ए नहीं ओए ओए हूँ व्यासार्ध मन रही आ पाठ देनी तुम आस कौन जान मुझे बुझेनि तुम्हें कन्फ्यूज हो बहुत सारा जिनस जानव कि गोटे कथा मन रख तो एवटे थी आम स्केल मापीदे आम बही जहाँ क्वेश्चन अच्छे बुझीगले केन्द्र है ओ कह जाए व्यासार्ध कहे ओ एक कहुए बुझीगले बस ये खाला व्यासार्ध आ गोटे जिस एक्सट्रा मुझे कहूँ जे तुम ये व्यासार्ध है मन रख व्यासार्ध ये स्केल मापीद जी है तुम ये गोटे आंकी दि ये भी से हम ये गोटे आंकी दि ये भी से हम ये गोटे आंकी दि ये भी से हम सबुआ सामान मन रखे व्यासार्ध पूरा सामान तो बुझे पर यहाँ टिके बेस बुझे तुम्हें पूरा कन्फ्यूज हो नंबर थ्री ये जान लो खाली जस्ट केन्द्र किए जान लो ये मिडिल पॉइंट है केन्द्र आउ तुम व्यासार्ध किए जान लो ओ है व्यासार्ध खाली ये जान थो नेक्स्ट बुझे। तपर नंबर थ्री क्वेश्चन अच्छी निम्न माप विशिष्ट कोण गुड़ी सूक्ष्म कोण समकोण स्थूल कोणर वर्गीकरण कर ये किसी कोण दे तुम 30 डिग्री 175 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 89 डिग्री 115 डिग्री 95 डिग्री 20 डिग्री एगुड़ा आम चिन्ह किए कौ कौन एक करवा पूर्व आम ये हेनी डेफिनेशन गोटे लिखने तीन नंबर पर देव एट तीन नंबर डेफिनेशन का लिखने कौन कौन सूक्ष्म कोण डेफिनेशन का लिखने आउ समकोण डेफिनेशन का लिखने आउ कौन स्थूल कोण डेफिनेशन लिखिदेव है
कंजेस्टेड है सूक्ष्म गुण कौन जो गुण परिमाण 90 डिग्री कम बिलो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री है सी है सूक्ष्म गुण सेमती स्थूल गुण तुम समकोण तुम कौन रो जो गुण परिमाण कौन 90 डिग्री निजे जे 90 डिग्री से ही समकोण नेक्स्ट देखिए स्थूल गुण स्थूल गुण कौन ना जो गुण परिमाण कौन 90 डिग्री रु अधिक आउ 180 डिग्री रु कम मन ला से कौन स्थूल गुण तो आम स्टार्ट करवा से हिसाब से देख नंबर तीन ल तुम कौन कही वर्गीकरण करवा अच्छा 30 डिग्री 30 डिग्री कौटी जी कह सूक्ष्म गुण से जी ना समकोण से जी ना स्थूल गुण 90 डिग्री ना 30 डिग्री कह 90 डिग्री कम तो ये हम 30 डिग्री बुझे कि ना 90 डिग्री कम है ना तापर तुम अच्छी 175 डिग्री अच्छा 175 डिग्री है 90 डिग्री अधिक होना ये हम स्थूल गुण हम 175 बुझे तुम अच्छी 90 डिग्री 90 डिग्री यहाँ अच्छी ना समकोण 90 डिग्री असुविधा किसी नहीं नेक्स्ट अच्छे 45 डिग्री 45 डिग्री है मानने कौन 90 डिग्री छोट है 89 डिग्री 89 डिग्री है सीटा कौन हो 90 कम हो 89 है अच्छी 115 115 है 90 डिग्री अधिक हो जाटा आउ 180 डिग्री कम नेक्स्ट तुम रोचे कौन 95 देख 95 मैं 90 ज्यादा हो जाएगा आ कौन अच्छी 20 डिग्री 20 डिग्री तो ये सूक्ष्म गुण हम ना बुझेगा ना तुम जी तीन टाइम जानव सूक्ष्म गुण क्या कहो समकोण क्या कहो स्थूल गुण कहो ये तीन टाइम जान लापर तुम आराम से करेंगे किसी प्रॉब्लम नहीं तुम्हें भी पंचम श्रेणी चतुर्थ श्रेणी टी तृतीय श्रेणी भी नलेज पाइक आसो समकोणी सूक्ष्मकोणी और स्थूल गुण विषय में तो मुझे तुमको मैंने अधिक कौन बुझेबी तथा जो कह डाउट थी ये क्लीयर हो जाऊँ माँ तो पे मैंने 3.1 गोटे छोट चैप्टर थी तो ये चैप्टरटा ये सरुच्छे तो या गोटे 3.2 नहीं आसपी से विदाय दिंतु नमस्कार आउ बहुत परिमाण लाइक आ सेयार करेंगे सांग मानते सेयार करूँ जो मैंने ट्यूशन हो पारना सेक एफर्ट कर तो से प्रति भी तुम्हें जो जत्नशील हम समस्ते मिसिक पढ़ समस्ते मिसले सीना इंडिया आगे थैंक यू।